देखिए कहना क्या है कि देश के प्रधानमंत्री आज चुनाव प्रचार अभियान में आए थे और झारखंड में उन्होंने गढ़वा से शुरुआत की। अगर आप सब लोगों ने देखे होंगे कि उन्होंने बिल्कुल स्थानीय स्तर पर, यानी झारखंड में जो चुनाव घोषणा पत्र है, पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसके प्रमुख बिंदुओं पर उन्होंने उल्लेख किया है और साथ ही झारखंड की जो समस्या है, किस प्रकार से झारखंड सरकार पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार की योजनाओं को लटका करके रखे, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और किस प्रकार से झारखंड में खनिजों की जो लूट हो रही है और लूट में सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग शामिल है, उन सारे बातों का इन्होंने उल्लेख किया। और आज अगर आपने देखा कि उन सारे बातों को उल्लेख कर रहे थे और जनता का, उसमें से नौजवानों का जो रिस्पोंड जो मिल रहा था, जो क्लैपिंग हो रहा था, वो लगता था कि जनता को भी कि भाई हमारे बात देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो इसे बिल्कुल उत्साह साफ दिख रहा था। चूंकि उन्होंने कोई भी ऐसा चीजें नहीं छोड़ा और उन्होंने दुनिया की बातों को भी नहीं कहा कि देश की और भी बातें को उन्होंने नहीं कहा, आपने सुना होगा तो पूरा लगभग 40-45 मिनट उन्होंने बोले, तो पूरी तरह से झारखंड पर केंद्रित थे और झारखंड पर ही उन्होंने सारी बातों को रखे। आज सर यूसीसी का कल संकल्प पत्र में जिक्र किया गया, उसमें यूसीसी लागू करने की बात कही, झारखंड में आदिवासियों को इसमें बाहर रखा जाएगा एज अ बीइंग नहीं, स्वाभाविक है कि आदिवासियों को इसलिए बाहर रखा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार गिरावट आई है। संपूर्ण झारखंड में आजाद भारत में जब 2011 तक सेंसस हुआ तो 10% की गिरावट आई है। अगर हम संथाल परगना पर देखते हैं, थोड़ा सा अलग करके उसको हम देखते हैं, तो वहां 16% की गिरावट है। ये चिंता का विषय है। जब आबादी बाकी की बढ़ रही है और ट्राइबल की आबादी घट रही है तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए यूजीसी में भी, यूसीसी में भी ये जो ट्राइबल है उस दायरे से उनको बाहर रखा गया, क्योंकि हमें उनको संरक्षित भी करना है, उनको विकसित भी करना है, उनको प्रोटेक्शन देते हुए उनको और सपोर्ट भी देना है ताकि उनकी आबादी घटे नहीं। तो ये साफ भारतीय जनता पार्टी, कल देश के गृह मंत्री जी ने उसको साफ कर दिया था।